पुलिस मुख्यालय के सूत्रों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के 6 आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे। स्पेशल ब्रांच के इनपुट के आधार पर मुजफ्फरपुर पुलिस ने किया अलर्ट। नेपाल के तराई वाले इलाकों और उत्तर बिहार की नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के बाद जून में पहली बार सूबे में नदियों में आया उफान। आधा दर्जन नदियां पहुंची खतरे के निशान से ऊपर। वैशाली मुजफ्फरपुर बॉर्डर पर कटरा ओपी के चपैट गांव में मुंगेर की तर्ज पर हथियार बनाने की फैक्ट्री का हुआ खुलासा। एसटीएफ के डीआईजी की सूचना पर मुजफ्फरपुर सिटी एसपी नीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में वैशाली और मुजफ्फरपुर पुलिस ने की छापेमारी। छापेमारी में 1200 से अधिक अर्ध निर्मित पिस्टल व हथियार समेत प्लेट मशीन और अन्य सामान जब्त किया गया। राजधानी पटना के कंकड़बाग में रहने वाले कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग की हुई मौत। पटना एम्स में 6 मरीज रविवार को मिले कोरोना पॉजिटिव। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव के आवास पर शाम तक 1 फीट से अधिक पानी जमा देखी गई। बारिश के कारण उनकी पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के टायर डूब गए। बिहार में सिंचाई की अधिकतम क्षमता और लक्ष्य का सही आकलन करने के लिए खेतों का प्लॉट वार सर्वेक्षण होगा। मुख्यमंत्री ने दिया आदेश, कहा हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। बिहार में एक साथ 282 कोरोना के नए मरीज मिले, जिसके बाद संख्या बढ़कर 9506 हो गई है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर पटना की सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नेता कार्यकर्ता घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी पर सवार होकर निकले, साथ ही कुछ नेता साइकिल पर निकले। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों से टिड्डियों का दल अरवल होते हुए पटना जिले में पहुंचा। विभागीय मंत्री ने हालत की समीक्षा की। कृषि सचिव, विभाग के अधिकारी कर्मचारी और पटना के जिलाधिकारी खुद निगरानी कर रहे हैं। बिहार शरीफ जिले के सिलाह थाना क्षेत्र स्थित मितवा गांव के समीप सुबह होने से पहले बारातियों से भरी मिनी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। एक व्यक्ति की हुई मौत, 9 घायल। बिहार के पूर्वी चंपारण में रविवार देर रात हुई बड़ी वारदात। एक बारात में शामिल होकर घर लौटने के क्रम में सीपीआई नेता बिंदेश्वरी गिरी पर फायरिंग की गई। घटना में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। मुजफ्फरपुर शहर बहुचर्चित बालिका गृह से गायब बच्चियों की तलाश को लेकर रविवार को सीबीआई की 3 टीम शहर में उतरी। सीबीआई अधिकारी 4 बच्चियों की तस्वीर लेकर नगर थाना क्षेत्र के कई मोहल्लों में घूमे, लेकिन लोगों से कोई जानकारी नहीं मिल पाई। लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस पार्टी आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। लखनऊ सहित शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को अन्यायपूर्ण करार दिया और महामारी के समय इस वृद्धि को तत्काल वापस लेकर देश की जनता को राहत प्रदान करने का नरेंद्र मोदी सरकार से सोमवार को आग्रह किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी के प्रोजेक्ट की शुरुआत की। साथ ही स्वास्थ्य शिक्षा विभाग ने इस प्रोजेक्ट को दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा ट्रायल कम ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट बताया है। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए भारतीय मेलबर्न फिल्म महोत्सव के आयोजन की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। अगस्त में आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम अब अक्टूबर में कर दिया गया है। IIFM 2020 कार्यक्रम लोक स्वास्थ्य दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए अब 30 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच आयोजित होगा। पप्पू यादव ने पटना में कहा कि सुशील कुमार मोदी के भाई सृजन घोटाले के पैसे से बिल्डिंग बनवा रहे हैं, ऐसे में उनसे सीबीआई को पूछताछ करनी चाहिए। इसके साथ ही पप्पू यादव ने सुशील कुमार मोदी को तत्काल पद से हटाने की मांग की है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।